नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर कोटद्वार में स्वाभिमान महारैली निकाली गई। मूल निवास भू कानून समन्वय संघ समिति के आह्वान पर निकाली गई महारैली में कोटद्वार समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। तय कार्यक्रम के तहत कोटद्वार के देवी रोड, तड़ियाल चौक, देवी मंदिर, मोटर नगर होते हुए लाल बत्ती चौक, बद्रीनाथ मार्ग से कोटद्वार तहसील तक निकाली गई महारैली में सभी ने एक सुर में मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग उठाई। आपको बता दें कि महारैली से पहले देवी मंदिर के पास एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों ने अपने विचार रखे। इस दौरान हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कोटद्वार त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। देहरादून हल्द्वानी टिहरी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली की सफलता के बाद कोटद्वार में महारैली हो रही है। गढ़वाल के प्रवेश द्वार में हुई इस महारैली का संदेश पहाड़ के गांव-गांव तक जाएगा और लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।